फार्मासिस्ट के राज्यव्यापी आंदोलन को लेकर शुक्रवार को फार्मासिस्ट कर्मियों ने सेवाएं नहीं दी। कर्मियों ने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में ही हड़ताल रखते हुए मांगे शीघ्र मानने की सरकार से आग्रह किया। उनकी प्रमुख मांग वेतन विसंगति को समाप्त करने को लेकर है। संस्थान के सभी फार्मासिस्ट संयुक्त मोर्चा द्वारा कंटिन्यू 26 तारीख से लगातार अलग अलग गतियों के द्वारा हमारा आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार अभी तक आज तक हमारी कोई बात नहीं सुन पाई है और न सुनने को तैयार है। लेकिन हम ये गतिविधि कल 2 दिन के लिए बंद है हमारी, और 8 या 9 तारीख को हम सब पूरे राजस्थान के सभी फार्मासिस्ट सामूहिक CL पर जा रहे हैं, और अगर 8 और 9 तारीख को हमारी मांगे नहीं सुनती है सरकार, तो हम 10 तारीख से संपूर्ण स्ट्राइक पर रहेंगे पूरे राजस्थान के फार्मासिस्ट, जिसका जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।